हेलो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हमारा गुड मॉर्निंग अभी वैसे नहीं हो रहा है, हम काफ़ी देर पहले के उठे हैं, रेडी हुए हैं। और आप सोच रहे हो कि आज इतनी क्लैरिटी के साथ कैसे वीडियो मिली है। सो आई हैव न्यू फोन जो मेरे ब्रदर ने गिफ्ट किया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फ़ोन मतलब चोरी हो गया था तो मिस हैपनिंग की वजह से, बट सो कोई बात नहीं, अब मेरे पास है न्यू फोन जिसका कैमरा लाजवाब है। तो आज मैं जो मैं विज़िट करने गई थी ईशिका की PGI में, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ईशिका की पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, उससे पहले ज़रा ईशिका से मिल लीजिए। ईशिका बोल दो मामा। ये खेलने में लगी है और एक बार मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी। ये देखिए, जब मैं दोबारा गई थी ईशिका की विजिट के बुलाया था, तो देखिए ये तब की रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद यहाँ ये 28 को मुझे बुलाया था, तो मैं तब गई थी। तो मतलब 5 दिन की एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने, जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एट्रोपिन डाल के जो एक्सरसाइज बताई थी कि पैच लगाना है ईशिका को, तो मैंने 5 दिन पैच लगाया था। तो गॉड की कृपा से उसका मतलब जो नंबर है आइस का वो कम हो गया। एक सेकेंड में मेरा ग्लासेस था वो +2 था पहले, और देखिए अब यहाँ पर कम हो गया, देख सकते हैं आप। तो उन्होंने दोबारा से रिपीट पैचिंग बोला हुआ है 2 to 3 hours डे, और फिर से मुझे 2 तारीख को बुलाया है, मतलब दिवाली से हमें 2 दिन पहले विज़िट करना है 318 रूम नंबर में 9 AM। तो अब हम दोबारा जाएंगे और फिर देखेंगे क्या कहते हैं वो। और फिलहाल मैं ईशिका का पैचिंग टाइम मतलब मैंने 3 hours प्रॉपर रखा है कि अगर 5 दिन में इतना इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो मे बी इफ़ेक्ट पड़े, होप सो। उन्होंने बोला है कि अगर नहीं होगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। तो एक सेकेंड मैं आपको ईशिका को दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ईशिका है, और ये बाहर ये देखो कैसे खेलते हैं। मतलब ये मेरा एक कॉम्पैक्ट पाउडर का था वो ख़त्म हो गया है, और ये उसको लेके तब से लगे। ईशी बेटा शक्ल दिखा दो, अपने चांदी से मुकरा दिखा दो। ये देखो इसने पैच लगाया हुआ है, तो वैसे ये अब लगा लेती है। गॉड, कभी कभी बच्चे ही थोड़ा गुस्सा आता है तो अपना नोच नोच के हटा देती है, चश्मा भी हटा दी कभी कभार गुस्से में। 16 जुलाई को है 2020 को, तो अभी मतलब इसको थ्री मंथ स्टार्ट हुआ है, वन ईयर थ्री मंथ्स। ईशी हेलो बोल दो। ये देखो ये अपना खेलने में लगी है, और ये ईशिका का जो हैंड बर्न हुआ था तो यहाँ पे मैं रतनजोत और नारियल का तेल बताया था डॉक्टर ने, मतलब वो लगा के ना, मतलब डॉक्टर ने नहीं, केमिस्ट वालों ने बताया था कि इससे करने से जो निशान होता है ना वो हट जाता है, क्योंकि डॉक्टर तो निशान के बारे में नहीं बताते हैं, वो बस अपना जख्म वगैरह भरने का दिखाते हैं। तो बच्चा को भी निशान अच्छा नहीं लगता ना, तो ये हमें मेडिकल स्टोर वाले ने ही बताया था। तो रतनजोत लगाती हूँ मैं इसमें, और नारियल का तेल है, और एक दूसरा बताया था मेरी नानी ने कि मतलब सुपारी होता है जो पान में डालते हैं, वही सुपारी लेकर और उसे स्टील के तेल में। तो अब जब मैं पट्टी खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया, और इसका स्किन भी मतलब वो वाइट सा जो निशान होता है वो अब हट गया है पहले से। मतलब प्रॉबेबली 1 month तक, जब तक ईशिका विज़िट करेगी अब या दिवाली से पहले तक, इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब मैं ओपन करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो अभी हम लंच कर चुके हैं, और देखो मेरी ईशी की शरारत, ये देखो ये मेरे को पहनाने के लिए दे रही है, जैसे मेरी आंखें खराब है। और इसकी खुशी देखो, एक नेक्स्ट लेवल की खुशी है। ईशी इधर आओ, शो मी योर हैंड्स। नहीं, हैंड वाला हाँ लग गया था ना, ये देखो। अब देखो इसका मतलब जो डिसकलर हो गया था पहले से बेटर हो गया, मतलब बहुत लाइट रह गया है वो भी ठीक हो जाए। नो बना चश्मा बना। तो अभी बस इसकी खुशी अलग ही। पट्टू 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 पट्टू, ये देखो इसको बोला पट्टू पट्टू कर लेगा, पेट तो है नहीं, मतलब इतना छोटू सा पेटू है और इसके साथ खेलती है। आ जा पट्टू 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 पट्टू, ओए ओए ओए, पट्टू 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 पट्टू, ए पट्टू पट्टू पट्टू, ये देखो इसकी शरारत हो।
मतलब मुझे एक शूट करना है और ये मुझे करने नहीं दे रही है, ये देख। फिर मैं ये लगा लेती हूँ। वाह मम्मा तो कितनी सुंदर बन गई, मम्मा कितनी सुंदर बन गई। ईशा सुंदर कैसे बनते हैं? सुंदर ये देखो मम्मा ने ही लगा लिया। ले लो ईशु, ले लो मम्मा से। Oh,